बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्टूडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह जेस और वारिद नेटवर्क के अलावा दूसरे नेटवर्क के सिम पर अपना एक नया जेस कैश अकाउंट बनाएंगे। तो देखती वीडियो लास्ट तक। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में जेस कैश ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि जेस और वारिद नेटवर्क के अलावा दूसरे नेटवर्क पर नया जेस कैश अकाउंट सिर्फ जेस कैश ऐप के जरिए ही बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप आएंगे प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आप टाइप करेंगे जेस कैश। तो इस तरह जेस कैश का ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, इसे आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप वो मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे जिस पर आप जो है अकाउंट बनाना चाहते हैं। नंबर एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह मजीद ऑप्शन आपके सामने जो है ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट लिंक में यहाँ पर लिखा है नेम, यहाँ पर आप अपना नेम देंगे, जो भी आपका नेम हो आप यहाँ इंटर करेंगे जिसके नेम पर आप अकाउंट बनाना चाहते हो। इसके नीचे लिखा है सीनआईसी, यहाँ पर आपका जो भी सीनआईसी नंबर हो आप यहाँ इंटर करेंगे, यानी आपका जो आईडी कार्ड नंबर होता है वो आप यहाँ इंटर करेंगे। इसके नीचे जो है आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देंगे। इसके सामने लिखा है ऑप्शनल, अगर ये आप देंगे तो सही है, अगर नहीं भी देंगे तो इसके अलावा भी आपका जो है ये अकाउंट जो है बन जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। और इसके नीचे लिखा है सीनआईसी इशू डेट, यहाँ पर आपका जो भी सीनआईसी का जो इशू डेट है आप अपने सीनआईसी पर देखेंगे, यानी आईडी कार्ड पर आपका जो भी सीनआईसी इशू डेट होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी आपके सीनआईसी पर तारीख इजरा जो होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ आई एक्सेप्ट कंडीशन, इस पर आप टिक लगाएंगे और यहाँ ये एरो का निशान आप देख सकते हैं, ये येलो एरो का निशान, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह जो है ये आपके इस मोबाइल नंबर पर जिस पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, यानी OTP। अगर आप जो है आपका ये नंबर उसी मोबाइल में हो जिस पर आप अकाउंट बना रहे हो तो ये आपका जो है मोबाइल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। इसके बाद जो है आपके मदर का नेम जो है के बारे में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपका जो भी मदर नेम होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो है इसमें नेम नहीं होगा तो आप नल सेलेक्ट करेंगे, और अगर होगा तो फिर आप एक नेम सेलेक्ट करके इस एरो के निशान पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपका प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगा वो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इस एरो के निशान पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आप अपना 4 हिंसों का जो है एम पिन जो है, यानी आपका जो भी पिन हो वो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे जो है ये पिन आप दोबारा जो है एंटर करेंगे और ये येलो गोल सा निशान, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। यहाँ पर आप अपना जो भी अकाउंट नंबर होता है वो आप यहाँ इंटर करें और नीचे अपना 4 अंकों का पिन इंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें तो आप अपने
अकाउंट में जो है लॉगिन हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैं अपने बुक अकाउंट में जो है लॉगिन हो गया। इस तरह जो है आप अपना जो है मोबाइल नंबर और नीचे अपना पिन देकर आप अपने आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। तो इसी तरह जो है आप अपना जो है एक नया जेज़ कैश अकाउंट बना सकते हैं, जेज़ और वारिद सिम के अलावा दूसरे नेटवर्क के सिम पर जो है बना सकते हैं एक नया जेज़ कैश अकाउंट बहुत आसानी के साथ। सिर्फ आप प्ले स्टोर जो है प्ले स्टोर से जेज़ कैश ऐप डाउनलोड करेंगे और ये सारा डिटेल आप देकर जो है अपना एक नया जेज़ कैश अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।